नमस्कार, वेलकम टू एक संवाद एट अरुणिमा अंकुरन. ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे वी आर सो हैप्पी टू हैव डॉक्टर राजश्री गुप्ता विद अस. वेलकम टू एक संवाद एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर. अ वर्ड अबाउट अरुणिमा अंकुरन. अरुणिमा अंकुरन इज एन इनिशिएटिव फॉर पॉजिटिव सोशल चेंज थ्रू सेल्फ डेवलपमेंट. द गोल इज ग्रेटर वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल. At Arunima Ankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can have an impact. That's what inspires us to keep going. Why is Teachers Day celebrated? Teachers Day in India honors Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was born on September 5th. When Dr. Radhakrishnan became President of India, his students wanted to celebrate his birthday. Instead, he proposed that September 5 be designated as Teachers Day to celebrate, recognize and appreciate teachers' contributions. This idea was embraced, making September 5th a day to celebrate and respect the teaching profession. Teachers Day every year now is a time to acknowledge and celebrate the dedication, patience, commitment of teachers who play a role in shaping future generations. Teachers should be the best minds in the country. So it's such an honor and privilege to have one of the best minds in the country with us today, Dr. Rajshri Gupta. She has won the Best Teacher Award for the academic session 2013-2014 at GHRCE Nagpur, awarded the NPTEL Discipline Star in Mathematics 2020 IIT Madras. She's a life member of ISTE, Indian Mathematical Society, NFIRMS. She has 17 papers published and presented in international and national journals and conferences, one patent granted, one patent filed. Today, we celebrate you and your valuable contribution to our lives. All the teachers who are listening in, happy Teachers Day and a warm welcome to you, Rajshri. Such a pleasure to have you here. Thank you. Let me start with that question first. टीचर बनने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया, क्यों टीचर बनी? सिंस चाइल्डहुड मेरे दिमाग में शुरू से ही था, मतलब कि टीचर बनना, मतलब जैसे छोटे में बचपन में जैसे गेम्स होते हैं तो लड़कियां यूज टू प्ले गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं, लेकिन शुरू से ही जो मैं स्टूडेंट टीचर वाला जो गेम है वो ही खेलती थी, तो शायद ये मेरे शुरू से मेरे दिमाग में था कि मुझे टीचर बनना है. और फिर मैथ्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो आई हैव स्टार्टेड डूइंग एमएससी इन मैथ्स एंड देन आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई हैव जॉइंड एनआईटी रायपुर. रायपुर में ज्वाइन किया मैंने, 3 साल वहां जॉब किया एंड आफ्टर मैरिज आई वेंट टू शिलोंग एंड शिलोंग से जमशेदपुर एंड देन आई हियर इन नागपुर एंड नागपुर में मैंने फिर रिलीज रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब. तो ये मेरी जर्नी है एंड आई एम वेरी हैप्पी. दिस इज जॉब बाय चॉइस, नॉट बाय कि फोर्स से है या मिल गया तो करना है, वैसा वाली बात नहीं है. आई लाइक माई जॉब वेरी मच. हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली. अ लॉट ऑफ द टाइम पीपल थिंक कि जिनको कुछ भी और जॉब नहीं मिलता है वो टीचर्स बन जाते हैं, बट ऐसा नहीं है. अ लॉट ऑफ टीचर्स बिकम टीचर्स बिकॉज़ दे वांट टू बिकम टीचर्स. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. या इट इज बाय चॉइस. बिल्कुल, वंडरफुल. तो राजश्री, आप ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से पढ़ा रही हैं, राइट? यस. In your own experience, आपने क्या देखा है as a the role of a teacher? How has it changed? क्या-क्या आपने changes देखे हैं और आपने अपने teaching में क्या-क्या changes लाए? Talk to us about that. Teaching में ऐसा है कि right from the beginning, if I recall 2003 में मैंने join किया था यहाँ पर जब इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो बच्चे थोड़े ज्यादा sharp होते थे, ज्यादा ईगर होते थे कुछ जानने के लिए और एक्सप्लोर भी करते थे वो, कि कुछ नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं. और उस समय जो है वो हमारी टीचिंग में जो अपना चॉक एंड डस्टर वाला ही टीचिंग था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है. अभी बच्चे जो है वो उतना ज्यादा नॉलेज गेन करने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि दे
उनको एग्जाम पास करना है वाला हिसाब थोड़ा हो गया है, मतलब स्पेशली इन इंजीनियरिंग, बाकी जगह नहीं मैं कह सकती, लेकिन यहाँ पर उन्हें एग्जाम पास करना है, जो एक नॉलेज गेन करना है या कुछ एकदम एक्सीलेंट करना है वैसा नहीं रह गया। और टीचिंग मेथड्स में भी बहुत चेंज हो गए हैं, जैसे कोरोना के बाद से ऑनलाइन टीचिंग शुरू हो गई है बाय जूम या बाय वेबेक्स, तो उसके कारण भी बच्चों में क्या है कि एक लिखने की आदत खत्म हो गई है। तो जैसे अभी भी कोरोना के बाद से हम लोगों ने जो क्लासरूम में टीचिंग की, तो बोर्ड पे लिख दो तो दे फील लेजी टू राइट, दे टेक पिक्स फ्रॉम द मोबाइल, मोबाइल से वो पिक्स ले लेते और फिर घर जाके कर लेंगे मैम, ऐसा रहता उनका, मतलब दे फील लेजी टू राइट। कोरोना के बाद से ये एक फर्क हुआ है। और बाकी टीचिंग तो है, गूगल क्लासरूम है और बाकी बाकी तरह से भी टीचिंग हो रही है, इंटरेक्टिव बोर्ड्स और वो सब चल रहा है। टीचिंग में तो बहुत नए नए मेथड्स आ गए हैं, लेकिन बच्चे जो है वो कितना सीखना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। तो मैं अगर रिकॉल करूंगी कि पहले के स्टूडेंट्स से अभी के स्टूडेंट्स में मेहनत करने की जो इच्छा है वो कम हो गई है। अब वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मोबाइल, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन फ्रेंड्स से बात करने में भी। जैसे पहले क्लासरूम में एकदम साइलेंस रहता था, अभी वो उनको बीच बीच में आपको बोलना पड़ता है कि नहीं अभी आपको ध्यान देना है, तो वो एक चीज मैंने डिफरेंस नोटिस किया है, और चिंता का विषय। हाँ, एज अ मैथमेटिक्स टीचर, बिकॉज यू नो आई रिमेम्बर जब हम लोग पढ़ते थे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एवरी मैथ्स टीचर ऑलवेज टोल्ड अस वॉज प्रैक्टिस करो, जितने सम्स लिखोगे प्रैक्टिस करोगे द बेटर यू विल गेट एट मैथ्स। सो इजंट इट मोर चैलेंजिंग फॉर यू, क्योंकि अभी वो लिखना नहीं चाहते हैं, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो आप क्या करती हैं? प्रैक्टिस नहीं करना, अभी अगर कोई आप क्वेश्चन देंगे तो मैथ्स का कोई सम देंगे आप, तो उसका सलूशन वो खुद नहीं निकालते, वो गूगल पे सर्च करते हैं उसका सलूशन एंड देन दे वो याद कर लेते हैं। मतलब खुद से सलूशन निकालना और खुद से करना, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है, 10% स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत करते हैं, पर बाकी एज अ मतलब जनरल अगर आप देखेंगे तो वो जनरली उस क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे गूगल पे सर्च करके और उसको याद कर लेंगे, पर खुद से उसको क्रैक करना बिल्कुल वो जो एक था पहले वो खत्म होते जा रहा है। और बुक रीडिंग का भी जो है वो भी बहुत कम होते जा रहा है, मतलब कई स्टूडेंट्स के पास तो बुक्स होती नहीं, दे डोंट वांट टू गो टू लाइब्रेरी की बुक्स देखना है, उसने गूगल में ही सर्च कर लिया, जो आंसर्स मिल गए वो ले लिया, या तीन चार बुक लेके उसको सर्च करना, रेफर करना बुक, ये सब चीजें अभी प्रैक्टिस कम हो। तो उससे उनके जो परफॉर्मेंस है और उनकी जो स्किल्स डेवलप हो रही हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट यस, होएगा? उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन। तो जो जब आप ब्रेन यूज करेंगे तभी उसकी शार्पनेस बढ़ती है, तो वो चीज थोड़ी सी उनकी कम हो रही है। तो क्या स्ट्रेटजीज यूज करती हैं आप एज अ टीचर इन द क्लासरूम, एंड यू नो अगर अदर कोलीग्स मैथमेटिक्स जो पढ़ाते हैं, या व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू आर ट्राइंग टू डू इन द क्लासरूम ताकि बच्चों को एंगेज रहे, पढ़े? वी आर ट्राइंग, हम लोग पहले लेक्चर लेते हैं, उनको बताते हैं, बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछते हैं, हमारे यहाँ ट्यूटोरियल क्लासेस भी होती है, तो ट्यूटोरियल क्लासेस पे भी हम उनको सम देते हैं करने के लिए। लेकिन वही मैं बता रही हूँ कि उसमें से 10% स्टूडेंट्स हैं जो खुद से करते हैं, बाकी स्टूडेंट जो है वो देखना है या फिर आपको वो सम फिर से समझाना है, पूरा समझाना, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एट द लास्ट तक आंसर तक उनको ला के देना है और फिर वो उसको याद कर लेंगे, मतलब वो खुद से कोशिश नहीं करते। और फिर इसलिए अगर उसमें कुछ भी जरा सा भी चेंज हुआ, साइन की जगह कॉस आ गया या कॉस की जगह 10 आ गया, तो फिर उनको थोड़ा सा मुश्किल होने लग जाता है कि कैसे करना। तो जैसे हम लोग अगर टीचर्स की बात करते हैं, तो टीचर्स का भी प्रोफाइल चेंज हो रहा है धीरे धीरे, यू नो डिफरेंट सेट ऑफ पीपल आर बिकमिंग टीचर्स, यंगर टीचर्स। तो आपको क्या लगता है, उन टीचर्स के टीचिंग स्टाइल में और जो पहले के टीचर्स के टीचिंग स्टाइल में है, डिसिप्लिन में या उनकी जो मेथोडोलॉजी है, हाउ डू यू कंपेयर द टू? मेथोडोलॉजी में तो यही है कि टीचिंग मतलब एक चॉक एंड डस्टर वाला ही है, चॉक डस्टर की जगह में अभी पेन आ गए हैं, वो इंक पेन तो ठीक है, व्हाइट बोर्ड हो गया है, पर बाकी मैथ्स में तो आपको बोर्ड यूज करना ही हो,
मैथ्स में यू कांट टेक लेक्चर बाय पीपीटी या इससे लेने से बच्चों को उतने ठीक से समझ में नहीं आता, मतलब तो वो तो आपको जो आपकी शुरू से जो आपकी चल रही है कि बोर्ड वाला जो है वो तो आपको करना ही है, और अभी भी सारी टीचर्स करते हैं यंग या पुराने भी पीपीटी वगैरह यूज करते हैं हम लोग जस्ट फॉर रिवीजन, रिवीजन के लिए हम लोग यूज करते हैं पीपीटी वगैरह, पर बाकी उससे आप पूरा कंसेप्ट बता देंगे इट इज नॉट पॉसिबल मैथ्स में, और प्रैक्टिस तो देना ही है आपको, तो वी आर टेकिंग ट्यूटोरियल क्लासेस सो दैट कि दे सॉल्व सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस सो दैट दे विल बी फास्ट इन डूइंग क्वेश्चंस। सो जैसे एक जो उसका एलिमेंट होता है ना एप्लीकेशन बेस्ड, सो हाउ आर यू इनकॉर्पोरेटिंग दैट, या वो है उसका पार्ट आप लोग के पढ़ाने के तरीके में, सो दैट स्टूडेंट्स कैन कनेक्ट कि हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि दिस इज द यूज वी आर गोइंग टू पुट इट टू। इंजीनियरिंग में तो अप्लाइड ही मैथ्स है, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस लेते ही हैं हम लोग, जैसे कोई भी क्वेश्चन लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कहाँ कहाँ यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में और वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स में, इसमें जहाँ पे भी होता है तो वहाँ हम लोग यूज करते हैं, तो एप्लीकेशन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हम लोग लेते हैं क्लास में। यू नो यू आर अ टीचर नाउ, बट एक टाइम पे आप भी स्टूडेंट रही होंगी, तो आपके जो टीचर्स थे उनमें से कौन से टीचर ऐसे हैं जो यादगार हैं और कभी कभी आपको लगता है कि मैं उनके जैसे पढ़ा रही हूँ शायद? नहीं उनके जैसे पढ़ाने का तो नहीं, पर हाँ जब मैं स्कूल में थी तो एक शर्मा मैडम थे, वो बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे से बताते थे, और उसके कारण ही मुझे ये सब्जेक्ट भी मेरा बहुत मैं लाइक करने लगी मैथ सब्जेक्ट, तो मिसेस शर्मा जो है वो मेरे को एकदम याद है जो मेरी मैथ्स टीचर थे। उनकी क्या चीज आपको खास याद है? व्हाट अबाउट हर, इज इट हर पर्सनालिटी और व्हाट वाज इट जो याद है आपको? पर्सनालिटी नहीं, द वे ऑफ टीचिंग मैथ्स, जो मैथ्स वो इजी करके बताते थे उस वो मुझे उनका याद है, मतलब उनका टीचिंग ही मुझे पसंद था। हाँ स्ट्रिक्ट थी वो? ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं थी, मतलब हम लोग इतने कंफर्टेबल थे कि वी कैन आस्क क्वेश्चंस। तो व्हाट इज द, यू नो व्हाट आर सम ऑफ द क्वालिटीज जो आपको लगता है कि एक ब्रिलियंट टीचर, जो बहुत अच्छे टीचर है, उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ब्रिलियंट टीचर में एक ये होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक है वो ईज करके बताना आना चाहिए, दूसरा चीज ये है कि ईज करके बताना चाहिए, और फिर इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछने में शाय फील करें या डर फील करें कि नहीं हमें नहीं पूछना है क्वेश्चन, पता नहीं मैडम क्या आंसर करेंगी, तो दे शुड फील कंफर्टेबल कि वो कोई भी टॉपिक पे आपसे डिस्कस कर सके, इंटरेक्ट कर सके। अभी जैसे देर इज सो मच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल ऑफ दिस जो यू नो टेक्नोलॉजी आईटी यस हमारी यस लाइफ को एकदम यस इन्वेड यस कर दिया है इसने, आपको क्या लगता है इससे जो लर्निंग एबिलिटी है स्टूडेंट्स की, उस पे क्या इन द लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होगा? वो ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट ये होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो अपना इंटेलिजेंस यूज नहीं करते, द थिंग इज जैसे अभी हम लोग मोबाइल है, मोबाइल पे सारे नंबर्स रखे हुए, जैसे वन पहले हम लोग सारे जो फोन नंबर्स हैं वो याद करके रखते थे, लेकिन जब से मोबाइल आया है हम सारे सारे नंबर जो है मोबाइल पे सेव रहते हैं, हमको केवल अपना नंबर याद रहता है, और मेरे ख्याल से फिर अपने हस्बैंड का या अपने बच्चों का भी नंबर याद नहीं रहता, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वही है कि आप यू आर डिपेंडेंट ऑन सम डिवाइस एंड यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन, जो मेमोराइज करने की चीज थी, जैसे कैलकुलेटर आ गया, पहले सारे कैलकुलेशन खुद करते थे, अभी सारे सारा कैलकुलेटर से ही करते हैं, मतलब अगर उनको 2 + 2 भी करना है तो शायद वो पहले कैलकुलेटर की तरफ देखेंगे बनिस्बत अपना दिमाग में सोचने का कि 2 + 2 क्या होता है या टेबल्स याद करना है, ये सारी चीज, तो नेचुरली डिवाइसेस आने से जो खुद की जो ब्रेन यूज करने की जो टेंडेंसी थी वो अभी कम होती जा रही है, मुझे ऐसा लगता है खुद का जो जो ट्रेडिशनल वे है उसमें उनकी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं, डिवाइस यूज करना आता है, जैसे आपको जितने जितने उनके फीचर्स नहीं पता होंगे किसी मोबाइल के, वो एक यंग बच्चे से आप पूछोगे तो उसको ज्यादा फीचर्स पता होंगे। यस, इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, क्या डिफरेंस है अभी यस अभी में और लेट्स से जब व्हेन यू स्टार्टेड टीचिंग एंड नाउ?
पहले तो बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप कॉरिडोर में कहीं निकल जाएं तो वो बिल्कुल एकदम रहेंगे, और अभी के बच्चों में ऐसा नहीं है। अभी के बच्चे जो है वो दे मतलब शायद उनको ऐसा लगता है कि वी आर पेइंग एंड देयरफॉर वी आर गिविंग। वो जो चीज था पहले, जो एक रिस्पेक्ट था टीचर्स के लिए, जो अभी तक हम लोग अभी अपने टीचर्स को याद करते हैं, वो तो अभी नेचुरली कम ही हो रहा है। तो इन द लॉन्ग टर्म इसका इस प्रोफेशन पे कुछ इंपैक्ट होगा क्या? ऑन द टीचिंग प्रोफेशन, लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन में भी ऑफ टीचर्स, हाउ डू यू सी हाँ, इट? लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन में थोड़ा सा तो नेचुरली उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो पहले जो आपको रेस्पेक्ट मिलता था उतना तो नहीं है। और हम लोग जब स्कूल में थे तो टीचर्स डे मेंट कि सीनियर स्टूडेंट्स साड़ी वाड़ी पहन के जाएंगे, क्लासेस लेंगे एंड यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो अभी कैसे सेलिब्रेशन होता है एंड यू नो हाउ डू द स्टूडेंट्स शो देयर ग्रेटिट्यूड? अभी ऐसा सेलिब्रेशन होता है कि पहले जब मैं यहाँ पे 2003 में ज्वाइन की थी तो वही सिनेरियो था कि सभी जो है वो टीचर का रोल, दे आर प्लेइंग टीचर का रोल, जो भी टीचर का करते थे, और हम लोग के लिए केक वगैरह आता था या गिफ्ट्स आते थे या फ्लावर्स बुके आ रहा है या कार्ड्स आ रहे हैं, उस तरह से होता था। लेकिन अभी 4-5 साल में आफ्टर कोरोना जो है वो ये सिनेरियो अब बंद हो गया है। अब जो है वो स्टूडेंट जो है वो इतने एंथुजियास्टिक नहीं है, दे रेगुलर क्लासेस होती है बाकी, और हमारे कॉलेज का जो फंक्शन होता है उसमें हम लोग ऑडिटोरियम में एक अपने टीचर्स के लिए करते हैं, पर स्टूडेंट्स कम ही इन्वॉल्व होते हैं कि उनको कुछ करना है टीचर्स के लिए, वो जो एक सेंटिमेंट। अंदर से जो है इमोशंस है वो थोड़े अभी कम हो गए हैं। आपको एक बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था, तो यू नो टॉक टू अस अबाउट दैट एक्सपीरियंस कि ऐसी कौन कौन सी चीजें एक अच्छे टीचर को करनी चाहिए टू अचीव समथिंग लाइक दैट। मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था 13-14 में। टीचिंग तो मेरा शुरू से अच्छा रहा, मतलब फीडबैक वगैरह मेरा शुरू से अच्छा रहा है। लेकिन मुझे एक मेरे एक स्टूडेंट की लाइन याद आती है, वो बोलती थी कि मैडम आप क्लास में ऐसा पढ़ाते हैं कि जब मैं एग्जाम में बैठती हूँ तो सेम जो आप क्लास में करते हैं अगर कोई सम आता है तो पूरा मुझे याद आता है कि आप ऐसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। मतलब वो पूरा एक पिक्चराइज हो जाता था उसके माइंड में। तो ये करीब 5-6 साल पहले की बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मतलब इतना ज्यादा इम्पैक्ट रहता है मेरी टीचिंग का कि उनको एग्जाम में भी बैठ के वो सब कैसे करना वो याद आता है। तो इट वॉज गुड, मतलब बच्चों का शुरू मुझे तो बहुत बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन मिला है शुरू में। अभी अभी जो है वो बच्चे उतना ज्यादा रेसिप्रिकेट नहीं करते हैं, लेकिन शुरू में तो आई वॉज फेवरेट टीचर ऑफ देम। जो मेमोरीज होती है हम लोग की एज अ टीचर, यू नो लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक स्टूडेंट है वो आपसे हमेशा के लिए कनेक्टेड रहता है, आपने उसको चाहे 10-20 साल पहले भी पढ़ाया होगा। तो ये जो इस तरीके की रिलेशनशिप, आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट टीचर की रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए बियॉन्ड द क्लासरूम? स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं अभी भी उनके फोन आते हैं, अभी भी वो कनेक्टेड है। एक अनिमेश करके एक लड़का है, एक अनिकेत करके लड़का है जो मारुति सुजुकी में है, तो जिसके साथ में हम लोगों ने पेटेंट वगैरह भी फाइल किया था। तो वो दे आर कनेक्टेड विथ मी, दे फोन मी टीचर्स डे में, दे विश मी, वो विश भी करते हैं। और कभी कुछ होने से अगर कॉलेज आते हैं किसी कारण से, कुछ टीसी निकलवाना है या कुछ और कोई कारण रहता है, तो आते हैं, मिलते हैं आके। एक वेदांत दहल करके एक लड़का है, उसने बहुत अच्छा, जब वो छोड़ के गया कॉलेज तो उसने बहुत अच्छा नोट दिया मुझे। तो ऐसे मतलब स्टूडेंट्स हैं जो वेल कनेक्टेड रहते हैं। तो अभी भी मैं उसका नोट जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उसका नोट है एक, प्लीज। उसने जाने के समय दिया था, डियर गुप्ता मैडम, आई स्टिल रिमेम्बर यू मेड मी प्रॉमिस टू परफॉर्म वेल इन एकेडमिक्स बिफोर अलाउइंग मी टू बी द फर्स्ट ईयर प्रेसिडेंट। वो फर्स्ट ईयर प्रेसिडेंट भी था, तो मैंने उसको बोला था कि आपका एकेडमिक्स जो है वो इसमें हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो वो उसने याद किया था, दैट प्रॉमिस सर्व्ड एज एन इंस्पिरेशन, आई कुड नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी, आई कांट फॉरगेट द लेवल ऑफ सपोर्ट यू गिव बाय कमिंग विद अस टू लता मंगेशकर एंड बीएनआईटी टू सपोर्ट अवर प्रोजेक्ट्स।
मैं उनके साथ लता मंगेशकर हॉस्पिटल भी गई थी और VNIT भी गई थी उनके प्रोजेक्ट को हेल्प करने के लिए, तो बच्चे याद करते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर एवर। तो वाह, ये नोट है उसका, तो अरे वाह, हाउ नाइस। ये एक्चुअली असली एक अर्निंग है ना, टीचर्स यस, टीचर। ये रियल आर्टिकल है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई मैसेज है जो आप शेयर करना चाहेंगी बाकी टीचर्स के लिए, जो अभी यंग टीचर्स हैं या जो टीचर्स बनना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि बने कि नहीं, व्हाट इज द मैसेज यू वुड लाइक टू शेयर? टीचर्स के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि टीचिंग इज अ लाइफ लर्निंग प्रोसेस। इसमें आपको नए नए प्रॉब्लम्स, नए नए टेक्निक्स और नए नए आपको बुक्स पढ़नी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया एक बार और बस वैसे ही पढ़ाते जा रहे हैं। आपको नए नए उसमें प्रॉब्लम्स और नए नए उनके मेथड्स आपको हमेशा इन्वेंट करते रहना है टीचर्स को। ये मतलब इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस कि आपने टीचर बन गए और उसके बाद पढ़ना नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं है। बुक से आपका कभी भी खत्म नहीं होगा रिश्ता, आपको हमेशा बुक्स करना है और नई नई बुक्स पढ़ना है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो सीखना है, नए नए तरीके से आपको टीचिंग करना है। और स्टूडेंट्स के लिए ये है कि टीचर आपके लिए इतना इतना एफर्ट्स लेते हैं, तो यू शुड बी रेस्पेक्ट देम। और आप ये सोचिए कि अगर आपको टीचर ने नहीं बताया होता था तो वो खुद आप कर सकते थे क्या? खुद अगर आप नहीं कर सकते, दैट मीन्स समथिंग आपको मिल रहा है तो यू शुड रेस्पेक्ट दैट। और जो रोल ऑफ पेरेंट्स है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यस, टीचर्स, उसको कैसे देखती हैं आप? रोल ऑफ पेरेंट्स में ये है कि आजकल के बच्चे जो हैं कई बार बहुत झूठ बोलते हैं। मतलब कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वो घर से निकलते हैं ये बोल के कि हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, और वो कॉलेज से गायब रहते हैं पूरे, और फिर वापस शाम के समय वापस घर पहुंच जाते हैं। उनके पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि वो कॉलेज जा रहे हैं। तो पेरेंट्स को आजकल के बच्चों पे थोड़ा सा वॉच रखना चाहिए, उनको बीच में कॉलेज में आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि उनके बच्चे जो है रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये तो पेरेंट्स का तो इतना तो उनका उनकी अः उनका फर्ज बनता है कि इतना उनको स्टूडेंट्स के ऊपर, मतलब अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा सा वॉच रखना चाहिए, क्योंकि तो आजकल के बच्चे इतनी सारी चीजें हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए कि वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा उनको वॉच रखना तो जरूरी। इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को भी, स्कूल गोइंग तो है ही, इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी, वो भी वॉच करना बहुत जरूरी। और उनको ऐसे महंगे महंगे गैजेट्स नहीं देना चाहिए कि आईफोन दे दिया या आईपैड दे दिया, कि वो उसमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएं कि फिर वो बाकी की चीजें जो है वो ना करें। तो उनको ज्यादा महंगे, आप रिच फैमिली से हैं तो भी आप इतने महंगे गैजेट मत दीजिए उनको। लेट देम अर्न इट। हर चीज का एज होता है, तो एज के बाद ही ये सारी चीजें दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने शुरू से ही उनको दे दिया, उनके हाथ में पकड़ा दिया आईफोन, तो फिर वो कहीं ना कहीं भटक जाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन एक संवाद एट अरुणिमा अंकुरण। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड यू नो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ टीचर। थैंक यू। थैंक यू।